रोप लगाते हैं, सॉरी रोप में नॉट लगाते हैं, तो रोप को हमेशा अपनी लेफ्ट साइड में रखते हैं। किस साइड में रखते हैं? याद रखना ये चीज। दूसरा, रोप के भी दो पार्ट होते हैं, एक रोप है ना उसके दो पार्ट होंगे। इस एंड को हम बोलेंगे स्टैंडिंग एंड। क्या बोलेंगे? अगर मैंने इस रस्सी को पकड़ा है तो ये मतलब स्टैंडिंग एंड है, यहाँ से रस्सी स्टार्ट हो रहा है। और ये जो रस्सी जा रहा है 50 मीटर का, ये किस चीज को बोलते हैं? रनिंग एंड। क्या बोलते हैं? ओके, ये चीज याद रखिए। तो सबसे पहले लिखिए, नॉट में लिखिए क्लाइंबिंग नॉट, क्लाइंबिंग नॉट। ओके, क्लाइंबिंग नॉट में बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी नॉट बताऊंगा। वो जो नॉट है सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर वो नॉट आपको लगाने आएगी तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं उसको हम कि वो सब नॉटों की वो सिक्योर नॉट है ना, उसको हम बोलते हैं थंब नॉट। वो इसको आप साइड में एक जगह लिख लो। सिंपल अगर ऐसे मैं नॉट लगा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? थंब नॉट। थंब नॉट बोलते हैं इसको, सेफ्टी नॉट बोलते हैं या मदर नॉट बोलते हैं, एक ही नॉट है ये। ये हर नॉट के लास्ट में बनती है, इसको सेफ्टी लॉक, थंब नॉट और क्या बोलते हैं? मदर नॉट। ओके, अभी हम क्लाइंबिंग नॉट की बात करते हैं। सबसे नंबर वन लिखिए गाइडमैन नॉट। क्लाइंबिंग नॉट में सबसे पहले आएगा गाइडमैन नॉट। अभी लिख लो, एक बार मैं बताता हूँ, फिर आप एक बार सारे लगाएंगे ना। अच्छा, गाइडमैन नॉट लगाने के लिए क्या करना है? रोप को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। अभी पहले देख लो एक बार, लेफ्ट हैंड में पकड़, अभी एक बार देख लो दोबारा, जब मैं बताऊंगा फिर लगाना है। रोप को लेफ्ट हैंड में पकड़ा, अपनी लेफ्ट साइड से क्रॉस किया कमर में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रस्सी को मार्क कर लेना है, लगभग ये 8 या 10 इंच के बीच में आगे होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। इसको करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको रस्सी को छोड़ देना है और यहाँ पे एक सेफ्टी नॉट लगाना है या थंब नॉट लगाना है। समझ आई बात? याद रखना इतनी। इसके बाद मैंने क्या करना है, फिर स्टैंडिंग एंड को पकड़ा, अपनी कमर में से क्रॉस किया, इतना समझ आया सबको? यस सर। ये थंब नॉट और ये समझ आया ना? यस सर। अभी क्या करना है, मैंने ये वाला जो एंड है इसको ऊपर से रनिंग एंड की ओर ले जाना है। देखो इस एंड की ओर, ये रनिंग एंड की ओर, यहां से पास किया, इतना समझ आया? यस सर। अभी क्या करना है, मैंने इस रस्सी के ऊपर, रनिंग एंड वाली रस्सी के ऊपर स्टैंडिंग एंड वाली रस्सी का सेफ्टी नॉट लगाना है। और ये नॉट कुछ इस तरह से बनी है। इस नॉट को क्या बोलते हैं? गाइडमैन नॉट। क्या बोलेंगे? गाइडमैन नॉट। हाँ, तो जो क्लाइंबिंग में सबसे आगे चलेगा वो गाइडमैन नॉट बनेगा। ओके, अभी बनाइए एक बार, कोशिश करिए। पहले रोप को लेफ्ट हैंड में पकड़ो। अभी क्या आएगा? मिडिलमैन नॉट। ओके, अभी मिडिलमैन से क्या समझते हैं भाई आप लोग? बीच में जो क्लाइंब करता है ना माउंटेन पे, उसको मिडिलमैन बोलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रस्सी के बीच का पार्ट उठाते हैं कहीं से। देखो मैं लीड कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे दूसरा है, तीसरा है और फिर चौथा लास्ट है, तो बीच में जो दो है वो दोनों मिडिलमैन है। अभी उनके पास तो ये एंड नहीं होगा ना, समझ आ रही है बात? यस। एंड तो रस्सी में दो ही है, लेकिन क्लाइंबर चार लोग हैं, तो बीच में जो रस्सी में टाई होंगे उनको मिडिल मैन नॉट लगाना पड़ेगा। क्या नॉट लगाना पड़ेगा? मिडिल मैन नॉट। ओके, मिडिल मैन के लिए क्या करना है, ओके देखो ये रस्सी का बीच वाला पार्ट है ना, रस्सी को डबल किया, अभी ये छोड़ दो इसको, ये स्लिंग है, इसको रहने दो, इसको रहने दो। यहाँ देखो अभी क्या करना है, डबल रस्सी का डबल रोप के ऊपर बीच में से सेफ्टी नॉट लगाना है। सिंपल इस तरह से लगाया, अब देख लो ना, लगाने की कोशिश मत करो, मैं जब बोलूंगा तब लगाना।
अभी जो बीच में होगा वो इस तरह से टाई करेगा पहने का, लेकिन अभी क्या है ये मिडिल मैन तो है लेकिन ये गलत वाला मिडिल मैन है। क्यों? जब कहीं फॉल होगा तो रस्सी कहीं और है, वो क्लाइंबर कहीं और चला जाएगा, तो इसको थोड़ा टाइट करना है। टाइट करने के लिए क्या करना है, इसको अंदर की तरफ से है ना, इसको रीथ्रेड करना है बाहर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर रीथ्रेड करो। ऐसा नहीं है लूज हो गया तो दोबारा से फिर खोला फिर लगा, वो लूज होने का टाइट करने का एक तरीका है। अच्छा अभी इस तरह से होगा, और मिडिल मैन हमेशा किस साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में। और ये रस्सी कहाँ जाएगा, राइट मैन की ओर, और ये कहाँ जाएगा, हैंड मैन की ओर। तो ये कौन सी नॉट है, मिडिल मैन। लगाओ वाला एक बार जल्दी इसके ऊपर। नेक्स्ट लिखो एंडमैन नॉट, कौन सी नॉट है, एंडमैन। एंडमैन नॉट राइट मिडिल। ओके एंडमैन के लिए क्या होगा, जो आदमी लास्ट में चला होगा उसने एंडमैन नॉट लगाने। तो सबसे पहले क्या करना है, रोप को लेफ्ट हैंड से लियो, देख लो पहले लेफ्ट हैंड से लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड में लेने के बाद यहाँ पे मार्क करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना है, सेफ्टी नॉट, बिल्कुल गाइडमैन की तरह आइए, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसको लेफ्ट साइड से लेना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर को लेना बैक साइड से। अभी यहाँ से अगर मैं पास करूंगा तो क्या नॉट बनेगी, कौन सी बनेगी, गाइडमैन। याद रखना ये चीज, एंडमैन में और गाइडलाइन में एक ही फर्क है, वो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले गाइडमैन की तरह लगा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, अभी हमने ऊपर से पास किया ना, अभी नीचे से पास करना है, और ये वाली रस्सी जो हमारी लेफ्ट बेस पे लगी हुई है और स्टैंडिंग एंड वाली, इसको ऐसे इकट्ठा करना है, ठीक है। और अभी बेस वाली रोप का रेप के ऊपर इस वाली जो स्टैंडिंग एंड वाली रस्सी, इसके ऊपर सेफ्टी नॉट लगाना है। क्या लगाना है, सेफ्टी नॉट। हाँ, तो इस तरह से ये कौन सी नॉट बन गई, एंडमैन। कौन सी नॉट है, एंडमैन। ओके चलो लगाओ फिर जल्दी एक बार, गाइडमैन में और एंडमैन में। ओके निकल, नेक्स्ट लिखिए वो लाइन, वो लाइन भाई भाई चैंपियन नॉट आ गए, और नॉट लिखिए वो लाइन, चलो वो लिखिए जो सब लिखा है वो लाइन, वो लाइन, वो लाइन, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नॉट, यूनिवर्सल और बोला है। लिखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट इन द क्लाइंबिंग, सबसे ज्यादा यूज होगी जो नॉट वो है वो लाइन नॉट। तो आपने इसको अभी ध्यान से देखना है, पहले मैं दिखाऊंगा फिर आपने खुद लगा के बताना है, और सबसे इजी भी है ये, लेकिन समझ आनी चाहिए ना। ओके रोप को पहले देख लेना, रोप को स्टैंडिंग, रोप को लेफ्ट हैंड में पकड़ा, स्टैंडिंग इनको इस तरह से पकड़ा, दिख रहा है ना सबको। अभी क्या करना है, मैंने अपनी लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है इसको इस तरह से, इतना समझ आया, यस सर। अभी ये जो स्टैंडिंग एंड है इसको यहाँ से पास करना है मैंने, इतना समझ आया। अभी रोप को मैं क्या करूंगा, अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ले जाऊंगा, लेकिन डाउनवर्ड साइड से इस तरह से पास किया। अभी जहां से ये रस्सी आ रही है इसी साइड में इसको क्रॉस कर दो, ये बो लाइन नॉट बन गया, इतना समझ आया, यस सर। इसके बाद क्या करना है, आपने अपनी राइट साइड पे क्या लगाना है, सेफ्टी नॉट, नॉट लगाना है। कौन सा नॉट है, सेफ्टी लाइन, वो लाइन या यूनिवर्सल। अच्छा अभी जल्दी से लगाओ वाला ये, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है भाई, ये सबको आना चाहिए। चलो रोप को लेफ्ट हैंड पकड़, पास करा। अब इसको अंदर की ओर ट्विस्ट करो, अंदर की ओर, बाहर की ओर से नहीं, देखो अंदर की ओर से हो गया, ऐसे पकड़ो। अब इसको यहाँ से पास करो, नहीं 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 यहाँ से, चलो गुड शाबाश,
अभी यहाँ से क्रॉस, एक बार फिर से चलो देखो भाई, दो लाइन फिर से देखो, जिनको समझ नहीं आया, कुछ लोगों को सही है, आपका ठीक है लेकिन लूज है, सही है, हाँ वो सही है लेकिन सेफ्टी नॉट छोटा, ओके रोप को लेफ्ट हैंड से पकड़ो, यहाँ देखो पहले, अभी यहाँ देखो, अभी इसको ट्विस्ट करो अंदर की ओर, लूप बनाओ ऐसे, नाइन बनाओ, देखो ये नाइन की तरह लग रहा है ना, पर ये आप लोगों को नाइन दिख रहा है, मेरे लिए उल्टा नाइन है ये, मतलब रस्सी को अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है, ना कि ऐसे बाहर की ओर नहीं करना, ऐसे बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए भैया, अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसे पकड़ो, अभी क्या करना है, ये जो स्टैंडिंग हैंड है इसको यहाँ से पास करो, अंदर से बाहर की ओर पास करना, अंदर से बाहर की ओर, अब ये जो रनिंग हैंड वाली रस्सी है इसको अंदर से ऐसे करो, यहाँ से नीचे से क्रॉस करो इसको, और यहाँ से पास करो, जहाँ से आ रही है रस्सी उसी साइड से क्रॉस करो, गलत है, पहले ठीक लगा, अरे गलत हो गया ना, ये डिफरेंट तरीका है, बहुत डिफरेंट तरीके दैट द वन व्हिच आई वाज टेलिंग टू यू दैट इज द वन इज बेस्ट सेलिंग बराबर है लूज है लेकिन टाइट बराबर हां जी सर बहुत गिरा है लूज है लेकिन कितने लोगों बना हाथ खड़ा करो जिनको बना तो आप टाइट कर सकते हो ठीक बना खुद को लगता है ठीक बना अच्छा सर अगेन सर मैं दोबारा से बताऊंगा ये एग्जाम में आने वाली है याद रखिए नहीं सर अच्छा सर हुआ नहीं भाई हाँ ठीक है नहीं लेकिन आपका सेफ्टी नॉट उस साइड में लगेगा हाँ जी आपने बना लेकिन सेफ्टी नॉट लगाओ ना सर इसके बाद में क्या है उसके बाद में नॉट लगा रहे हैं सेफ्टी नॉट हाँ ठीक है ये अलग अलग तरीके यार तीन तरीके पता चले अच्छा सुनो अभी यहाँ सुनो सारे यस सर एंड पे कितना होना चाहिए भाई चार से छह इंच के बीच में अरे कहाँ से लगा रहा है करना चाहिए कॉइल करके सो कॉइल में एक अलग से पेज मतलब साइड में लिखो कॉइल रोप कॉइल सो नंबर वन लिखो लिखा सबसे पहले लिखो क्लाइंबर कॉइल तीन टाइप के होंगे एक टाइप का भी बताएंगे आप क्लाइंबर कौन सा कॉल क्लाइंबर कॉल क्लाइंबर कॉल के लिए क्या है मान लो हमने रस्सी यूज किया और हमने इसको कॉल करके रखना है तो क्लाइंबर कॉल हमेशा डबल रोप पे होता है मतलब डबल रस्सी को कॉल करते हैं हम लोग तो उसको पहले क्या करना है रस्सी को क्लियर करना है ठीक है ना जैसे ये रस्सी क्लियर है फिर क्या करना है दोनों रस्सी के एंड पकड़ना है अभी इससे मत पकड़ो कॉल बड़ी रस्सी से होता है अभी इसमें क्या लगाना है सेफ्टी नॉट अब इसको सेंटर पार्ट निकालना है अभी इसको क्या करेंगे डबल ठीक है अभी क्या करना है रोप का हाफ लेना है कितना लेना है हाफ लिया इस तरह से अभी रोप का क्या करना है फुल स्ट्रेच करना है एक हाफ अभी पूरा फुल अभी क्या करना है इसको इस साइड से लूप बनाने इसके फिर फुल समझ आ रही है बात एक साइड में लूप बनेगा एक साइड उस पर अभी फुल स्टार्टिंग में हाफ कौन सा कॉइल बन रहा है ये
और फिर कॉइल कर रहे हैं तो क्या करना है, आधा बनाना आधा किसी और को दे देना कि एक ही बनाएगा? अगर दो लोग बनाएंगे क्या होगा? सेम नहीं होगा, लेंथ सेम नहीं होगा, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा हाथ होगा ना, तो एक ही ओके, जब ये 2 मीटर रोप बच जाएगा ना, ये देखो कितना समझ आया यहाँ तक? यस सर। वो समझ आ रहा है नहीं? यस सर। अभी क्या करना है, रोप को थोड़ा इकट्ठा करना है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, ये वाला जो रस्सी है इसको लॉक करना है कि थोड़ा टेढ़ा ना हो जाए ना, देखो ध्यान रखना, इस तरह से एक बार, और फिर इसको रोप को ओवरलैप करना है, समझ आ रही है बात? इस तरह से घुमाते जाना है, ओके। अभी ये 1 मीटर के रोप बचेगा ना, तो क्या करना है इसको यहाँ से निकाल लेना है सेंटर, और यहाँ से इसको लॉक कर दी, ठीक है? अब इसको इस तरह से कैरी करते हैं, ठीक है? अब ये थोड़ा छोटा हो गया लेकिन इसको आगे तक आएगा, और ये इसमें एक नॉट लगाना है आपने, सिक्योर नॉट इसको लगाते हैं, सिंपल नॉट ना, ठीक है? ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हमने राउंड में कर दिया इसलिए ऐसा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लाइमर कॉइल। ओके, ये किसका रोप था? वो बाद में अभी ना, तो अभी आपको रोप का लेक्चर हुआ, आपको क्लाइंबिंग नॉट उसके नॉट के बारे में बताया गया ना, क्या अभी नेक्स्ट क्या? ओके ऑन द कोर्स, स्टैंड अप जल्दी, खड़े जाओ।